no! तो गाइस जैसा कि देख पा रहे हैं साइकिल के चेन गाइस हमारा टूट चुका है, तो कोई काम के लिए हम बाहर जा रहे थे गाइस साइकिल लेकर के। तो गाइस इस तरह से अगर चेन टूट जाता गाइस तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है गाइस, जब आप स्टडी करने के लिए जा रहे हो या फिर कोई काम के लिए बाहर जा रहे हो गाइस। तो इसका जगह में गाइस हम बाइक का चेन लगाने वाले हैं। जी हाँ गाइस, आप लोग सही सुने, बाइक का चेन लगाने वाले हैं। और बाइक का चेन गाइस ये रहा हमारा, जैसा कि देख पा रहे हैं। और ये चेन गाइस किस तरह से फिट होगा, कैसे करना है, सारा चीज़ हम आप लोग को डिटेल्स में बताएंगे ताकि आप लोग का कोई भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो। और गाइस ये जो है लॉन्ग लास्ट तक चलने वाला रहेगा, तो किस तरह से फिट करना, कैसे फिट करना, चलिए आप लोग का कीमती समय ज़्यादा ना लेते वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग को अच्छे से दिखाते हैं और बताते हैं। उससे पहले गाइस हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग जो वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं और जो है लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दे। लाइक करने में कुछ जाता नहीं, इससे हम मोटिवेट होते हैं और आप लोग का प्यार मिलता है हमें, तो प्लीज़ लाइक कर दे। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दे। और साइकिल रिलेटेड नॉलेज वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुराना वाला चेन से गाइस बाइक का चेन को नापेंगे, कितना छोटा है कितना बड़ा है वही नाप का हमें चेन को कटिंग करना है। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये देखिए चेन को हम नाप रहे हैं, ये देखिए गाइस यहाँ तक हो जा रहा है। तो चलिए आप साइकिल में किस तरह से फिट करना है आप लोग को दिखाते हैं। तो गाइस सबसे पहले फ्रेम का अंदर इस तरह से करना है और इस तरह से गियर में आपको चेन को लगाना है, उसके बाद पीछे साइड में इस तरह से चेन को लगाना है। ये देखिए चेन को इस तरह से आपको गियर में फिट करना है जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है। और फिर व्हील में इस तरह से फिट करने के बाद चेन को इस तरह से आपको नापी ले लेना है, ठीक है गाइस, कितना पे कटिंग करना है, ठीक है। अब जानेंगे गाइस, तो ये देखिए एक कड़ी, दो कड़ी, तीन कड़ी, चार कड़ी, ठीक है गाइस। तो इसमें लॉक है गाइस, तो लॉक को नहीं जोड़ेंगे, तो एक दो तीन यानी तीन कड़ी हमें जो है कटिंग करना है, ठीक है गाइस। तो चलिए फटाफट चेन को जो है कटिंग कर लेते हैं। तो किस तरह से कटिंग करेंगे गाइस, सबसे पहले हम लॉक को खोल लेंगे, ये देखिए तोता प्लायर मदद से या फिर प्लायर के मदद से इस तरह से लॉक को आपको खोल लेना गाइस, इजीली लॉक खुल जाएगा। ये देखिए जैसा कि देख पा रहे चेन का लॉक, तो चेन का लॉक चलिए फटाफट खोल लेते हैं। ये देखिए चेन का लॉक हम खोल दिए हैं, उसके बाद गाइस एक दो तीन जैसा कि हम आप लोग को दिखाएं, और यहाँ से जो गाइस ये चेन रिमूवर टूल से जो गाइस हम खोल लेंगे करना है, और फिट करने के बाद इस तरह से आपको खोलना है गाइस, इजीली खुल जाएगा। बहुत ही बेस्ट टूल है गाइस चेन रिमूवर। अगर आप ये टूल खरीदना चाहते हैं गाइस चेन रिमूवर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ गाइस, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो खरीद भी सकते हैं। यानी बहुत ही बेस्ट टूल है गाइस, जब से हम लिए हैं तो चेन काटने का हमें झमेला नहीं लगा गाइस, एकदम इजीली सब काम हो जाता है चेन का सारा काम, जैसा कि देख पा रही है। देखिए आसानी से गाइस चेन ये हो गया है, उसके बाद गाइस इस तरह से बेंड करेंगे गाइस तो आसानी से चेन जो गाइस निकल जाएगा जैसा कि देख पा रहे हैं। उसके बाद गाइस क्या करना है, इस तरह से चेन को लगाना है और इस तरह से आपको जो है चेन लॉक को फिट करना है, ठीक है, जैसा कि देख पा रही है। देखिए एकदम इजीली हो जाएगा गाइस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, जिस तरह से हम दिखा रहे हैं आप लोग को उस तरह से कर लेना है गाइस, ठीक है। ये देखिए चेन लॉक हमारा जो है, और उसके बाद तोता प्लायर की मदद से इस तरह से प्रेस कर देना, ये देखिए चेन हमारा लॉक हो चुका है गाइस जैसा कि देख पा रहे हैं। उसके बाद साइकिल में फिट करना है। सो गाइस तो ये देखिए साइकिल में जैसे फिट कर रहे हैं गाइस तो चेन बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, तो अब क्या करेंगे, इस तरह से चक्का नट को खोलेंगे गाइस, हब एक्सल नट को जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद चेन को चढ़ाएंगे, ये देखिए, ये देखिए चेन को चढ़ाएंगे, चेन इजीली चढ़ गया गाइस। उसके बाद इधर वाला नट को टाइट करेंगे, ठीक है गाइस। उसके चक्का को मिडिल पे मिलाना है गाइस, ठीक है। तो फिर हम अपोजिट साइड वाला नट को लूज करेंगे और इस तरह से जो गाइस चक्का को मिडिल पे करके और चेन को मिला करके और इस तरह से टाइट कर देंगे। ये देखिए चक्का भी हमारा मिडिल पे हो गया गाइस और बाइक का चेन गाइस एकदम इजीली फिट हो गया जैसा कि देख पा रहे हैं। इस तरह से गाइस बाइक का चेन आपका फिट हो जाएगा एकदम इजीली, जिस तरह से दिखाएंगे गाइस। देखिए गाइस कोई भी प्रॉब्लम नहीं है गाइस। और गाइस इसमें एक और खासियत है, क्या है गाइस, बाइक का चेन फिट करने के बाद गाइस एक और खासियत इसमें क्या है गाइस, कि चेन आपको उतरने का जो प्रॉब्लम है गाइस, छोटा मोटा प्रॉब्लम की वजह से चेन उतरने का जो प्रॉब्लम आता है वो आपका क्लियर हो जाएगा, चेन उतरने का प्रॉब्लम नहीं आएगा और सही से गाइस एकदम वर्क करेगा जैसा कि देख पा रही है। देखिए बाइक का चेन लगा करके, और गाइस ये तो हम रेंजर साइकिल में आप लोग को दिखाएं गाइस। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हम 22 इंच का साइकिल हो या फिर 20 इंच का साइकिल हो, देसी 20 इंच का साइकिल या 22 इंच का, तो उसमें किस तरह से बाइक का चेन फिट होगा गाइस, उस पर भी हम वीडियो ले आएंगे। आप लोग जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे गाइस उस तरह से उतना जल्दी हम वीडियो को ले आएंगे। और देखिए गाइस कोई भी प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है गाइस, जैसा कि आप देख लिए। और एक चीज़ हम इसमें बताना चाहेंगे गाइस, ये जो चेन है गाइस ये आपका लॉन्ग लास्ट तक चलेगा गाइस, ठीक है, यानी जल्दी ख़राब नहीं होगा, खाली सिर्फ आपको ऑयलिंग मेंटेनेंस का ध्यान देना है। और एक चीज़ इसमें क्या आ जाता है गाइस कि अगर आपका साइकिल में चेन कवर लगा हुआ गाइस, फुल चेन कवर, तो उसमें आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है गाइस, ठीक है। तो इसमें अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो इस पर भी हम वीडियो ले आएंगे कि चेन कवर किस तरह से बाइक का चेन लगाने के बाद फिट होगा, या फिर अगर लगा हुआ है चेन कवर तो उसे आप किस तरह से अलाइनमेंट को मिला सकते हैं ताकि चेन कवर में टच ना करे और आवाज़ का जो साउंड का प्रॉब्लम आता है, नॉइस का प्रॉब्लम आता है, वो ना हो बाइक का चेन लगाने के बाद। और गाइस ये बहुत ही बेस्ट रहेगा। और गाइस बाइक का चेन का अगर हम प्राइस का बात करें गाइस, तो सेकेंड हैंड आपको लेके आना है, पुराना कोई भी बाइक शॉप में जाना है मिल जाएगा गाइस आपको, 30-20 या 40 रुपये लगेगा, आपको लेके आना है, एक ही बाइक का चेन से हो जाएगा गाइस। तो हम तो दो बाइक का चेन लेके आए थे, ये देखिए जैसा कि देख पा रहे हैं, तो एक ही में हो गया हमारा काम, तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस। तो आप देखते हैं, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो ये चेन जो है गाइस हम देसी 22 इंच का साइकिल हो या फिर 20 इंच का साइकिल हो उसमें फिट करके आप लोग को दिखाएंगे किस तरह से क्या जाता है, ठीक है। एकदम इजी प्रोसेस था गाइस, रेंजर साइकिल में इस तरह से फिट होता है। अगर डिस्क चेन कवर वाली अगर आपके पास साइकिल है गाइस रेंजर साइकिल, तो उसमें आपका आसानी से फिट हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जिस तरह से दिखाएं, जिस तरह से बताएं गाइस, उस तरह से कर लेना, एकदम ईजिली हो जाएगा। सो गाइस ये देखिए, देखिए गाइस ये स्पीड में एकदम साइकिल को चला रहे गाइस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए जैसा कि देख पा रहे हैं एकदम फर्स्ट क्लास है गाइस, कहीं पर भी टच उच का प्रॉब्लम नहीं आ रहा, नॉइस का प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो जिस तरह से दिखाए गाइस उस तरह से कर लेना है, एकदम इजीली हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।